रफत सुल्ताना है, मैं फसलानसर की रहने वाली हूँ। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा खान है जो टोली चौकी में रहते, जो जुलाई की 11 तारीख 2019 को हुई हम लोगों की शादी और सेकेंड मैरिज हुई। और दोस्तों इनो ये बिल्किस फातिमा है जो इनो है, इनके मदर है, आपकी सास है, सास है मेरे। ये देवर है जी, देवर है। और वो खलील, मोहम्मद खलील खान। ये मोहम्मद गौस खान। शादी हुई जब से मेरे को टॉर्चर कर रहे लोग, टॉर्चर किस बात का हर दे। और मेरे साथ जो फर्नीचर दिए शादी हुए बाद, मेरे पूरे भाई लोग हमारा दिए तो हाँ, वो फर्नीचर नहीं होना एक्सेप्ट भी नहीं करे, दूसरा फर्नीचर होना मेरे को बोले तो फिर डिमांड कर लूँगा दूसरा फर्नीचर दिए। ये पहले का फर्नीचर ले लूँगा, क्या करें, पूरा बेच दिए, पूरा बेच दिए। और दोस्तों मेरा ना हर चीज़ बेचे, हर हर चीज़, कौन सी भी चीज़ नहीं रखी। सोना 3 तोले सोना था मेरा, मेरे माँ बाप डाले सो सोना बेचे, एक हीला करे, एक फ़ोटो डिलीट करे बोल के इन्हों ना। ये जो मेरा शोहर है मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनके अफेयर है, इनको अफेयर कर रहे, कॉल सेंटर में काम करते हैं। फिर इन्होंने ना मैं हूँ बात कहीं को, ये किस किस के फ़ोटोज़ कहीं को रखे बोल के मैं बोली डिलीट कर दी, तो एक हीले से मैं बोली अम्मी के पास लेके आए, हाँ हाँ ऐसा कैसा डिलीट करे, तुम्हारी अम्मी से बात करते हो चलो बोल के बोले। 5 जनों के साथ आए, इमरान और दोस्तों खलील गौस, मेरे शोहर मुस्तफ़ा खान और बिल्किस फातिमा लोग, 5 जनों के साथ मेरे को आधी रात को 19 तारीख अक्टूबर की 19 तारीख को ले लेके आए। ले लेके आके बोल देखो ये ना तुम्हारी बच्ची, मैंने फ़ोटोज़ डिलीट कर दी। तो मैं बोली अम्मी ये देखो ऐसा की बात ऐसी होती, बुरी गाली दिए, बाहर जाके 500 में मिलती रात गुजार सकते, बीवी की क्या चाट रहा बोल के बोल दिए। वो लोग के ऊपर जो अटैक हुआ लड़के वालों पे, आपके घर वाले कोई गए थे या वो लोग आपके पास आए? उन लोग हमारे पास है जो बिल्किस फातिमा है और मोहम्मद मुस्तफ़ा खान है और मोहम्मद गौस है, मोहम्मद खलील है और दोस्तों दो लेडीज़ है और दोस्तों उनके दोस्तान भी है, दोस्तान भी आए आगे। मेरे को मेरा 3 डिलीवरी हुए 2 महीने में खाली, अभी भी मेरे को टाके दर्द हो रहे, टाके चलो चलो सो चलो, मेरे को पकड़े हमारे सास बोले निके में है चल ले लेके खींच जा बोल के बोले, गाली गलोच करते करते मेरे को ले लेके जा रहे। नहीं हमारे भाई बोले आप बात बैठ के बात करो, ऐसा नहीं बैठ नहीं बात करना, ऐसा बैठ के बात करो बोले, तो आते नहीं तुम लोग हमारे घर को बात करने के वास्ते, क्या आना बोल के बोले, तो हम लोग अच्छा बात है बोल के बोले, तो इन लोग क्या करे साजिश करे मेरे भाइयों पे इल्ज़ाम लगाए कि इन लोग मानने आए बोल के, क्या सब हथियार इन लोग रखे मेरे भाइयों नहीं रखे, उन लोग दोस्तों लेके मेरे भाइयों को मारे, खूब मारे मेरे भाइयों तीनों को, भाइयों को मारे और तो सब मार के इन लोग बोल रहे कि ना ये हथियार इन लोग लाए मेरे भाइया ने लाए, इन लोग ला के साजिश करे मेरे भाई। और पुलिस वाले भी देखे, देख के बोले ये नहीं होता, इन्हों हथियार नहीं लाए सो है बोल के बोले, हथियार इन लोग नहीं लाए बोले, तो हाँ हाँ पुलिस वाले भी एक्शन ले रहे बोल के लोग बोल रहे, मगर हमारे भाई निर्दोष है, हम लोग की ना हमारे भाइयों को प्रोटेक्ट चाहिए, इन लोगों को हमारे घर पे भी ना आके जब चाहे जब आके बहस करते गाली गलौज करते, हमारे घर में सेफ्टी नहीं है, हमारे भाइयों को जान का धोखा है। बेटी भी बेटा होना था हमको, जैसा मैं बेटी हो गई चलो लोग पूरे जरे रंग बदल गए, नहीं ये नहीं होना तीसरी कर ये नहीं होना, हर जने इन लोग फर्स्ट फर्स्ट भाई भी सेकेंड भाई भी मोहम्मद आजम मोहम्मद वस इन लोग ना दोनों भी दो शादियां करें और इन लोग भी जो है सेकेंड शादी है, अब तीसरी शादी कर दो मैं नहीं होना तुम बोल दे रहे नहीं होना मेरे को तुम बोल के मोर पचकड़ मारे मेरे को मारने की कोशिश करे जान से मारने की कोशिश है, अब मामे मेरे हीटर था पानी का ढकल दिए पचकड़ मार के ढकल दिए, ढकल देंगे नहीं
जान से मारने की कोशिश करे, ये न्यू ना बोल रही हूँ मैं, बोल के बोले सातवां महीना था। मेरे शोहर सुन के भी ना, ये आमांगन जाना है ना सातवां महीने के बाद, तुम नको चो मैं चल जाती हूँ बुरखा पहन के, मैं नहीं रहती हूँ, तुम्हारे अम्मा मेरे को मारे कैसा मारे मेरे को, नहीं मैं नहीं रहती, बोले तो हमारे सास बोले जान दे चल छोड़ दे, ऐसी गाली दे के बोले जान दे इसको छोड़, दूसरी करके लगी है, बेटी पैदा करना मेरे हाथ में है, अल्लाह के हाथ में, बेटा बेटी ये क्या बोलते कानून, ऐसा नहीं होना वैसा होना, फिर ऐसा मेरे को नहीं इंसाफ होना मेरे को। अपने शोहर के साथ क्या कर रहे थे, क्या करना चाह रहे हैं? मैं शोहर के साथ रहना चाह रही हूँ, मगर इधर भी नहीं रहना चाह रही हूँ, ना उधर भी रहना चाह रही हूँ, ना मायके में नहीं रहना चाह रही हूँ, ना ससुराल में नहीं रहना चाह रही हूँ, मेरे को सेफ्टी चाहिए, ऐसा है मेरे को अलग लेके रहो इन पर भी भाई, और दूसरा इन और इन ना ऐसा ये एक्शन नहीं लेना, मेरे में क्या कमी है जो थर्ड स्टेप लेने चाह रहे हैं, मेरे में क्या कमी है जो इन ऐसा कर रहे हैं, मेरे हाथ में नहीं है ना बची हुई तो अलग ही मसले आते हैं। और ये जो है फ्रैक्चर वैक्चर जो बता रहे सो ने पहले के असरावल के जो है उन्हों करे सो है वो नहीं असरा ये असरा फर्स्ट जो फाइव थे इनके उनका डिवोर्स हो गया, उन्हों ना इन लोगों के भाया ना कपड़ा डाल के उनको मारे थे सर पे और हाथ फ्रैक्चर कर दिए थे, उनके दादा पूरे ये ओरिजिनल नहीं है, और इन्हों ना हमारे भाई के ऊपर इल्जाम लगाए। कितने साल पुरानी बात है? 4 साल पहले पुरानी बात है। ये बात आपको कब पता चली? ये शादी के बाद एक एक बात बोले, उसके साथ बहुत कम करे, तेरे साथ बहुत ज्यादती करेंगे। क्यों करना चाहते थे आपसे ज्यादती? नहीं, हर जब जा रहे मम्मी के पास रहने के वास्ते जा रही, नहीं पैसे लेके आओ ये नहीं। क्या शादी जोरदार जबरदस्ती थी हुई थी या फिर सबके साथ हुई? सबके साथ रिश्ता आया, रिश्तेदारी में एक मेरा भी सेकेंड है, उनका भी सेकेंड है, देख दिखा के, अरे रिश्तेदारी ऐसा कर दे, बहुत जुल्म करे मेरे साथ, मेरे को इतना डरा के रखे, बाथरूम में गए तो नाड़ा बन कर अंदर भूल जाना कहते, इतना डर के रहना है मेरे को, बहुत हैबत हो रही, मेरे भाइयों पे भी जान कर, मेरे भाइयों पे भी जान कर धोखा है, लोग बहुत बुरे खराब है, मेरे भाइयों को ना ये इल्ज़ाम लगाए तो बुरा है, ये गलत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख रिजवान है, मैं मेरी बहन को घर लेके जाकर छोड़ने गया था, उनके ससुराल में छोड़ने गया था, वो लोग यहाँ आए थे तो मैं वहाँ छोड़ने गया, वो लोग मेरी बहन को बाहर भगा दिए, तो फिर वहाँ से मैं ले लेके बहन को आ रहा था, तो वहाँ पर पूरी गैंग जमा करके रेडी रखे ये लोग, मैं उनके दोस्त और उनके भैया पूरे मिलके मेरे को मारे, यहाँ पर पूरा बताऊँ शादी के पास सामने जी। कौन कौन मारे यहाँ पे? मोहम्मद गौस, मुस्तफ़ा खान, खलील और उनके दोस्त, ये सब मिलकर मुझके वहाँ पर मारे, वहाँ से उन लोग मेरे को मारे और जमिया निकाले, गौस खान निकाले, जमिया निकाल के जैसे कि मेरे को मारने आ रहे थे, वहाँ की पब्लिक रोक कर बचा ली मुझे, अल्लाह का शुक्र है बच गया मैं। फिर उतने में हमारे मैं पुलिस को फ़ोन करके जैसे कि बोलूँ कंप्लेन करूँ, तो वो लोग पुलिस वाले वहाँ पर आए, आके PS को लेकर गए, लेके जाने के बाद में ऐसा ही साहब भी सामने थे, आपस का मसला है, घर का मसला है, आप लोग पहले बैठकर बात कर लो, बात कर लेने के बाद में डिसाइड क्या करें, वो आकर बोलो हम एक्सेप्ट करते, बोले अच्छी बात है, बोले हम यहाँ आ गए तो लगा दूसरे दिन जैसे कि प्रेस में डाल दिया न्यूज़, पुलिस वालों के खिलाफ भी डाल दिया, हम लोगों के नाम पे भी झूठा इल्ज़ाम लगा रहे भाइयों के ऊपर मेरे ऊपर, ये गलत इल्ज़ाम है कि उन लोग पुलिस वाले ना उनको मारे ना हमको मारे, फैमिली मैटर है, आप लोग बैठ कर डिसाइड कर लो, बोले ये लोग पुलिस वालों का भी नाम झूठा, पुलिस वालों के भी नाम खिलाफ झूठ बोल रहे हैं और हम लोगों के खिलाफ भी झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को उनसे अपील है मीडिया से और मेरे को तेलंगाना हुकूमत से अपील है कि मेरी बहन की और मेरी इनको इंसाफ चाहिए। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself,
Success Junior College, proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University. A place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General, Harya. Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.